मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा जीत पाते हैं। देखिए सही मायने में जो आपने बात रखी है बिल्कुल सही बात है, अभी भी बहुजन समाज के बच्चे मुस्लिम बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि उच्च वर्ग बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहिए DOM परिसंघ जो है ना, जिससे जुड़ने की मेन वजह है कि मैं जातिवाद व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। हिंदू मुस्लिम आप तो जातिवाद का विक्टिम है, आपके विश्वास नहीं से क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये जातिवाद व्यवस्था नहीं, शायद समझने में अंतर आ रहा है। इसमें ये है, आप देखिए चाहे माइनॉरिटी हो है ना, यानी OBC है या ये जो आपका SC ST का है, इन्होंने अपनी मांग उठाने के लिए सारा एक कंबाइंड एक वेंचर तैयार किया है जिसके तहत ना अपनी आरक्षण की मांग कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सही मायने में जात व्यवस्था तभी ख़त्म हो सकती है जब तक या तो आरक्षण लागू हो या ना लागू हो, दोनों बातों में एक बात तो परफेक्ट है। लेकिन अगर लागू है तो पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? OBC में भी 27% आरक्षण जो लागू किया गया था, मुझे नहीं लगता OBC को पूरा फायदा मिला। जी मैं OBC कैटेगरी लोधी राजपूत से बिलोंग करता हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर आरक्षण की मांग OBC बताइए, मैं अभी 2 साल से ही मैं घूम रहा हूँ, मैं लगातार जो है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं ट्राइबल को हथियार के सहारे जंगल में छोड़ दिया, लोगों ने उनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया। मुसलमानों की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, उनमें बहुत हालत ख़राब है जो रिपोर्ट्स आ रही है। शेड्यूल कास्ट के 5% लोग नौकरी में अपलिफ्ट हुए हैं, वो पेट काट कर पूरा आंदोलन चला रहे हैं। OBC जो बहुत शैक्षिक जिसका पिछड़ापन वो दलितों से भी ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा शैक्षिक, आप लोग OBC को कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे उनको समझा पाएंगे कि हिंदूबाजी से आपका भला नहीं होगा, आप आरक्षण बचाइए? उनके उनके तो बच्चे न तो फूले को जान रहे हैं, न सावित्रीबाई को जान रहे हैं, न पेरियार को जान रहे हैं, न आपको बताएं कि मैं समझता हूँ ना बिहार में जो थे जगदेव बाबू को जान रहे हैं भाई। मैं समझता हूँ कि OBC में बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि विभिन्न पार्टियों में अलग अलग बटी हुई हैं, और ये एक तरीके से सब समन्वय न होने वजह से ये कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, ना अपनी मांग पूरी रख पा रही हैं, ना इनको आज तक कोई मिला है और ना भविष्य में मुझे नहीं लगता इनको कोई मिलने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम अपनी मांग को सही तरीके से रख पाते हैं तो हो सकता है कि आरक्षण भी लागू हो सकता है। देखिए DOM जो बना है थोड़ा सा मैं